टीम इंडिया ने बेंगलुरु में खेले गए T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को करारी हार दी है। भारत ने सुपर ओवर में जीत हासिल की। इस मुकाबले में दो सुपर ओवर हुए और दोनों ही बेहद रोमांचक रहे, दर्शकों के लिए भी और टीम इंडिया और टीम अफगानिस्तान के लिए भी। टीम इंडिया ने दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई को बॉलिंग दी। उन्होंने खतरनाक बॉलिंग करते हुए दो विकेट लिए और अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। बिश्नोई ने मैच के बाद कहा कि थोड़ा दबाव था लेकिन खुद पर भरोसा भी था। उन्होंने बॉलिंग से पहले कप्तान रोहित शर्मा से बात भी की थी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। इस दौरान रोहित शर्मा ने शतक और रिंकू सिंह ने अर्धशतक लगाया। अफगानिस्तान ने भी इसके जवाब में 6 विकेट गंवाकर 212 रन बना दिए। इसके बाद पहला सुपर ओवर हुआ। इसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक ओवर में एक विकेट के नुकसान के साथ 16 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने भी 16 रन बना दिए। टीम इंडिया ने दूसरे सुपर ओवर में दो विकेट गंवाकर 11 रन बनाए। कप्तान रोहित ने इसके बाद रवि बिश्नोई को बॉलिंग सौंप दी। बिश्नोई ने पहली और तीसरी गेंद पर विकेट ले लिया। इस तरह अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। बिश्नोई ने मैच के बाद कहा कि मैं मैच के लिए थोड़ा सा दबाव में था, धड़कने बढ़ गई थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि जीत मिल जाएगी। मैंने कप्तान से बात भी की थी कि मैं बॉलिंग करूंगा। सुपर ओवर के दौरान मैच को बचाने के दौरान काफी दबाव होता है। मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूँ। मैंने नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान लेग स्पिन पर काम किया था। इसके साथ ही डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस पर काम किया। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप कर ली है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है।